सारा खान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज। योर नेम एंड शॉप्स नेम। मेरा नाम दिम्पेश है और दुकान का नाम मोटा बैंड्स एंड ज्वेलर्स है। ओके, तो सोने चांदी के को खरीदने से पहले हम किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं? आज की तारीख में लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, तो गोल्ड जाए तो रेप्यूटेड स्टोर्स के पास जाए जिनके पास हॉलमार्क का गोल्ड बिकता है। जहाँ भी हॉलमार्क का गोल्ड बिकता है वहाँ आपको पांच निशान देखने हैं। एक तो हॉलमार्क का ट्रायंगल होगा, कैरेट स्टैंप होगा, जो ज्वेलर अगर आपको बताएगा 22 कैरेट 18 कैरेट तो स्टैंप देखना है, और दुकान का लोगो होगा और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये आप निशान देख लोगे तो आप फंसोगे नहीं। और 22 कैरेट 18 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड के नाम पर आजकल ज्वेलरी बेची जाती है, तो कितने लोग प्रेफर करते हैं या फिर ये कहाँ तक सही है आज के मार्केट में? 24 कैरेट की तो ज्वेलरी होती नहीं है, 24 कैरेट के सिर्फ गोल्ड कॉइन्स होते हैं, बार्स होते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं। 22 कैरेट हॉलमार्क की ज्वेलरी होती है और आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा चलन उसका है। 18 कैरेट में डायमंड ज्वेलरी होती है। 18 कैरेट में ज़्यादातर लोग ज्वेलरी प्रेफर नहीं करते हैं, इंडियन लोग प्रेफर करते हैं 18 कैरेट ज्वेलरी सिर्फ डायमंड के लिए। सोने चांदी की गुणवत्ता की जांच हम कैसे किए जा सकते हैं, कर सकते हैं? 18 कैरेट 22 कैरेट 24 कैरेट ये सब स्लैब्स हैं BIS हॉलमार्क के। अगर ज्वेलरी के ऊपर ये सारे स्टैम्प्स हैं तो वो काफ़ी है, अगर नहीं है तो उनकी रिपोर्ट्स निकाली जा सकती है लैब में भेजकर, वो आपको बेस्ट ज्वेलर हेल्प कर सकता है उसके लिए। दिवाली पे आपका क्या मैसेज है लाइक कस्टमर्स एंड ऑल द पब्लिक? मैसेज फॉर कस्टमर्स एंड पब्लिक, दिस इज द ये सही समय है सोना खरीदने के लिए। गोल्ड रेट और आगे बढ़ने वाला है और इसी समय सारे ज्वेलर्स अपनी बेस्ट ऑफर्स निकालते हैं, जेन्युइन ऑफर्स निकालते हैं, तो आपको उस समय लेना चाहिए।